हेलो फ्रेंड्स, गणित यानी मैथमेटिक्स में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताया था। उम्मीद करता हूँ कि वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रही होंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन हुआ है, 100 किलोमीटर प्रति एचआर की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को, जो उसी दिशा में जा रही है, 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी की और ट्रेन सी की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 250 मीटर हो, तो ट्रेन सी की चाल किलोमीटर पर एचआर में बताएं। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 75, 88, 110 और 95। तो यह ट्रेन टाइम स्पीड डिस्टेंस से है क्वेश्चन। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज में सारी चीज़ें बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो मान लेते हैं यह है ट्रेन बी और यह है ट्रेन सी, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, इस डायरेक्शन में जा रही हैं ये लोग। और ये जो है 100 किलोमीटर प्रति एचआर की चलती हुई ट्रेन जो है बी, यानी कि इसका जो स्पीड दिया हुआ हुआ 100 किलोमीटर पर एचआर दिया हुआ है इस ट्रेन बी का, और दूसरा ट्रेन की चाल निकालना है। तो मान लेते हैं ये जो है इसका स्पीड है हम लोग का 1 किलोमीटर प्रति एचआर है, या हम लोगों ने मान लिया है। और ये जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो हम लोगों का क्या होता है रिलेटिव स्पीड, तो वो जो हम लोगों का रिलेटिव स्पीड होती है वह घट जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो हम लोगों ने रिलेटिव स्पीड जो है हुआ 100 माइनस 1 किलोमीटर प्रति एचआर हो जाएगी, यह हम लोगों का रिलेटिव स्पीड। अब हम लोगों को करना क्या है, और ट्रेन का जो लंबाई है वो ट्रेन वन और ट्रेन का जो लंबाई है वो तो हमेशा ऐड होता ही है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हुई। तो डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन वन की जो लंबाई होगी वो ट्रेन टू की जो लंबाई होगी उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 150 प्लस 250 ये दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 400 मीटर हो जाती है टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम लोगों को ये भी मालूम है कि दूरी बराबर जो होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है वह समय गुना चाल। तो यहाँ पे जो हम लोगों का समय है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, 2 मिनट में पार करती है, ये मिनट में दिया हुआ, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो दो मिनट हो गया, और चाल जो है वो हम लोग का यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को ले लेना है। तो यहाँ पर 100 माइनस 1 ये किलोमीटर प्रति एचआर में ही है। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर है, इसको भी हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। अब ये हम लोग का मीटर में है तो इसको किलोमीटर में चेंज करना, क्योंकि हम लोगों को सब के सब किलोमीटर पर एचआर में निकालना है। तो ये जो 400 मीटर है इसको हम लोग 400 बटा 1000 करेंगे, यानी 1000, तो यह हम लोगों का किलोमीटर में बन जाएगा। और ये जो 2 मिनट है इसको हम लोग क्या करना है, घंटा में चेंज करना है, तो 2/60 हो जाएगा चेंज करेंगे तो, और ये तो हम लोगों का सेम के सेम रहेगा इस प्रकार से। अब यहाँ से हम लोगों को सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये 60 / 2 बराबर हो जाएगा 100 - x, ये है जाए। अब इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा इधर 12 बराबर हो जाएगा 100 - x। अब जैसे ही यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 88 किलोमीटर प्रति एचआर, और हम लोगों ने इसको किलोमीटर प्रति एचआर में ही माना था, इसको यहाँ पे किलोमीटर प्रति एचआर में। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लिए कि ये 88 किलोमीटर जो है वह एक्स का वैल्यू निकला है, यानी कि ट्रेन सी की चाल को हम लोग माने थे 88। अब ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनाना है, सारी चीज़ों का जो है वह स्टैंडर्ड जिसमें मांगा जाएगा उसी में आप लोगों को वैल्यू को निकालना है, पुट करना है और फिर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर 4 बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल बताएं। पाई बराबर 22/7 लेना है, ये भी यहाँ पे कहा गया, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप लोग पिछली वीडियोज़ में जो है मैथ्स के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात कर रहा है वर्ग का, तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं यही है हमारा वो वर्ग, और वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 सेंटीमीटर है, यानी 140 सेंटीमीटर ये 140 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है, सब सारे सेंटीमीटर में है, और
चारों कोनों पर जो है चार वृत्त खींचा गया है। तो यहाँ से चार वृत्त खींचेंगे लेकिन दोनों वृत्त को टच करेगा, जो भी वृत्त बनाएंगे वो दोनों वृत्त को टच करेगा। मान लेते हैं ये इस प्रकार से ड्रॉ कर लिए, इसको भी हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया, इस कोने पर अगर हम लोग बनाते हैं तो इस प्रकार से, और इस कोने पर बनाते हैं तो हम लोगों का इस प्रकार से बन जाता है। मान लेते हैं इस प्रकार से यह फोटो बन गया। अब यहाँ पर जो 140 है तो ये दोनों के बीच में ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, इस रेखा के बीचों बीच में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है 140 है तो बीच बीच में करते हैं तो इधर भी 70, इधर भी 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर यहाँ भी 70 और यहाँ भी 70 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ 70 सेंटीमीटर, यहाँ भी 70 सेंटीमीटर, यहाँ भी 70 सेंटीमीटर और यहाँ भी 70 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वृत्त बनेंगे उनके जो रेडियस होंगे और जो रेडियस होंगे वो 70 आर बराबर हो जाएंगे, आर बराबर 70 70 करके आ जाएगा सभी के सभी, ठीक है। अब हम लोगों का जो है वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थानीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो हम लोगों का जो यहाँ पे एरिया बन रहा है उसी को निकालना है। तो इसको मान लेते हैं, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये इस प्रकार से ये वाला जो कलरफुल वाला है उसी का एरिया को फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो है सबसे पहले क्या है हम लोगों का, ये जो है सबसे पहले वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हम लोगों का भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो यहाँ से यहाँ कितना है 140 है, तो ये 140 इंटू 140 हो जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा 196,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। इसके बाद में हम लोग जो यहाँ से देख रहे हैं एक चार जगह पर देखेंगे तो चार त्रिज्खंड का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, चार त्रिज्खंड ये और ये। तो इसको अगर हम लोग त्रिज्खंड का क्षेत्रफल करके निकालते हैं, सबसे पहले तो त्रिज्खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताया हुआ है तो आप लोग वहाँ पे जाकर के प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा कितना एंगल बन रहा है, तो ये हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90/360 इंटू पाई बराबर 22/7 लेना है, और आर कितना निकल जाएगा जब यहाँ पे हम लोग देख लिए यहाँ पे बीचों बीच में कटती है, तो ये आर हो जाएगा 70 यानी कि 70 × 70 ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो गया इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो कितना आ रहा हम लोगों का जो वैल्यू है वह है 22 × 10 × 70/4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो है चारों त्रिज्खंड है वो चारों त्रिज्खंड मिलकर के क्या बन सकता है, एक नया वृत्त भी बन सकता है, ये भी हम लोगों का है। तो यहाँ पे एक त्रिज्खंड का क्षेत्रफल निकला है, उसी प्रकार से अगर चार त्रिज्खंड है यहाँ पे तो चार से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का जो है यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखते हैं चार त्रिज्खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो निकल गया है 22 × 10 × 70 ये निकल गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 154,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ये हम लोगों का वृत्तखंड का। अब इस बड़े वाले जो है वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इसी को हम लोग का निकलना है वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैं इसको यहाँ से लिख दिया हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 196,000 − 154,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। इसको जैसे माइनस करते हैं तो ये हम लोगों का निकल जाता है 42,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोगों का 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले तो हम लोगों को इसी प्रकार से बनाना है, त्रिज्खंड का भी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, फिर वर्ग का जो है क्षेत्रफल का वो भी फॉर्मूला लग जाएगा, फिर दोनों में से घटा देंगे तो हम लोग छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है वो निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हमें बना लेना है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और BC बराबर 2.1 सेंटीमीटर हो तो EF की लंबाई बताइए। तो यह क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से, तो मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है
इस प्रकार से दो त्रिभुज हैं ABC त्रिभुज और एक हो गया DEF त्रिभुज, और इसमें से जो है इसका जो एरिया है वह दिया हुआ हम लोग का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF त्रिज्या का जो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और BC का जो लंबाई है 2.1 है, यानी BC 2.1 है। तो यहाँ हम लोग को इसका फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो इसका जो लंबाई है उसको हम लोगों ने x मान लिया है, और यह एक समरूप त्रिभुज है तो इसी को जो क्षेत्रफल है वो तो उसका अनुपात दिया ही हुआ है। तो इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखता हूँ जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, और इसके साथ साथ दूसरा त्रिभुज जो है DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह क्या होता है, तो वह होता है जो आधार जो है उसका स्क्वायर या तो फिर एक भुजा का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लेते हैं यह जो है BC भुजा के स्क्वायर और EF भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, और DEF का है वो 16 है, तो यहाँ पे हम लोग 16 लिख लेंगे। अब ये जो है BC का जो लंबाई है वो 2.1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे x का स्क्वायर ये अब हम लोग कर लेंगे। अब ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग इस पार के लेके आते हैं, तो 9/16 का रूट आ जाएगा और ये 2.1/x आ जाएगा। अब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ से 3/4 निकल जाएगा, ये 2.1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसको जब हम लोग काटते हैं तो यह 0.7 से कटता है, और अब x बराबर हम लोगों का हो जाएगा 0.7 × 4। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोगों का हो जाता है 2.8, यानी कि x बराबर 2.8 सेंटीमीटर। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है वह 2.8 सेंटीमीटर, तो यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो समरूप वाला जो क्षेत्रफल है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अनुपात होता है वह किसी भी एक भुजा के लंबाई का स्क्वायर दूसरी भुजा की लंबाई के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सर्कल से है। ए और बी दो वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा दोनों वृत्तों को क्रमशः पी और क्यू पर स्पर्श करती है। यदि AB बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई बताइए। ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 17 सेंटीमीटर और सी में ऑप्शन में 8.5 सेंटीमीटर और डी में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो है सर्कल से गए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस और जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है स्पर्श रेखा का बात कर रहा है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा का। तो यहाँ पे जो है दो वृत्त हैं, तो मान लेते हैं यह पहला वृत्त है और दूसरा जो वृत्त है वह मान लेते हैं यह है। अब ए और बी दो केंद्र बोला है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और साथ साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो ये जो है 11 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है वह 6 सेंटीमीटर है, और ये जो है इस प्रकार से यह ड्रॉ होगा, तो ये मान लेते हैं इस प्रकार से ड्रॉ हो गया, और इसका जो है डिस्टेंस इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे मिला लिया है, यानी कि दोनों के केंद्रों को जो लंबाई है उसको भी मिला लिए। तो ये जो है पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, ये इस प्रकार से एक उभयनिष्ठ स्पर्श, तो यही है हमारा उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा जो दोनों वृत्तों को पी और क्यू पर टच कर रही है। AB दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ए से बी का जो डिस्टेंस है वह 13 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है हम लोगों का। तो इस प्रकार से तो हम लोगों को PQ यानी कि ये जो लंबाई है इसी को निकालना है, यानी कि PQ बराबर कितना होगा। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसको किसे सॉल्व करना है बोल के। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई वो क्या होता है, तो वो होता है अंडर रूट दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर होता है माइनस, ये आप लोग ध्यान रखना है, ये आप लोगों को याद हो गया होगा, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में,
और त्रिज्याओं का जो है अंतर का, त्रिज्याओं का अंतर जो है उसका होल स्क्वायर होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब देखिए दोनों के बीच का जो दूरी कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और त्रिज्याओं का जो अंतर है उसका स्क्वायर निकालना है। तो त्रिज्या जो कितना है वो एक है 11 और दूसरा है 6, तो हम लोग का निकल जाएगा 5। ये तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, और इसको अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का 169 माइनस ये हो जाएगा 25, इसका अंडर रूट। तो इसको अब हम लोग 144 घटाने के बाद देखते हैं। तो ये 144 किसका होता है, तो ये 12 का स्क्वायर का होता है। तो हम लोगों का जो है यहाँ से 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये जो है पी क्यू की लंबाई, यानी कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो ऑप्शन डी में है 12 सेंटीमीटर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को जो है सर्कल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सर्कल से यह भी अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त में त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार अंकित है कि आर परिधि पर स्थित है। यदि पी क्यू वृत्त का व्यास है तथा कोण पी क्यू आर बराबर 40 डिग्री है, तो कोण क्यू पी आर का मान क्या है, वो भी डिग्री में। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री और 55 डिग्री। तो यह है, यहाँ पे वृत्त का बात कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यह एक वृत्त है और इसमें जो है पी क्यू वृत्त का व्यास है, यानी कि यह व्यास है। तो ये कोई पॉइंट है आपका पी क्यू है, ये मान लेते हैं आपका ओ पॉइंट है, यानी कि ओ केंद्र है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ, साथ में यहाँ पे पी क्यू आर का जो है एंगल 40 डिग्री दिया, लेकिन आर जो है वो मान लेते हैं यह, क्योंकि आर परिधि पर स्थित है ये भी कहा गया है। तो ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, इस प्रकार से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। और पी क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ, यानी कि ये 40 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना क्या है, क्यू पी आर का, यानी कि क्यू पी आर का, तो ये हम लोगों को वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे जो है सर्कल का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं और जानते हैं, याद करते हैं, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि कोई भी वृत्त में अगर व्यास जो है वह दो बराबर भागों में वृत्त को काटती ही है, साथ साथ अगर उसके कोई एक वृत्तखंड की ओर जितने भी एंगल बनते हैं तो वो 90 डिग्री के बनते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ। तो ये जो है व्यास है, इसके एक साइड की ओर जितने भी एंगल बनेंगे, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से अगर हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ भी कर लेंगे तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का ही बनेगा, ये जे मान लेते हैं। उस प्रकार से यहाँ से भी अगर हम लोग मानते हैं यहाँ पर, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा ये इस प्रकार से। तो ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ है कि एक ही वृत्तखंड की ओर बनती है एंगल अगर व्यास से, यानी कि आधा वृत्तखंड में बनती है, तो वो 90 डिग्री का होती है, ये प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है। तो उसी प्रकार से अगर इधर भी बनाएंगे हम लोग, जिधर भी बनाएंगे इस प्रकार से आधे आधे में, तो ये सारे सारे 90 डिग्री बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में बात करते हैं, तो कोण पी आर क्यू कितना हो जाएगा, कोण पी आर क्यू का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टीज़ के अनुसार से आप लोगों को मिल जाएगी। और कोण पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, कोण पी क्यू आर का वैल्यू दिया हम लोगों का 40 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री। और अब हम लोगों को यहाँ पे मिल गया जो कोई दो एंगल यहाँ पे मिल गया है, यानी कि 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस ये जो है हम लोगों का क्यू पी आर, यानी कि कोण क्यू पी आर, इतना बराबर हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब तो ये हम लोगों का कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा ये 130 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोगों का 50 डिग्री आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों को ध्यान रखना ही है कि वृत्तखंड में, यानी अर्धवृत्तखंड में अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री एंगल का निर्माण करता है, चाहे आप जहाँ भी इसको ड्रॉ करेंगे। तो यही इसका सबसे मेन पॉइंट यही है, प्रॉपर्टीज आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति एचआर की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति की गणना करें। ऑप्शन दिया हुआ 64,
62, 66 और 60 यानी 60। तो यहाँ पे है जेट स्की जो कि ऊपर की ओर जाती है, तो मान लेते हैं यह जो है जेट स्की है वो इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है, यहाँ से ए से बी पॉइंट के बीच में, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डी डिस्टेंस है, क्योंकि कितना ऊपर जाती है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये जो है ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पे उसका हो जाता है 48 किलोमीटर प्रति एचआर की स्पीड से ऊपर जाती है, और जब वापस आती है यानी ऊपर से नीचे, तो वो आती है 80 किलोमीटर प्रति एचआर की। तो यहाँ पे जो औसत गति यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या आते हैं, तो जब डिस्टेंस समान होती है या तो फिर ये इस डायरेक्शन में हो या तो फिर ऊपर से नीचे वाला डायरेक्शन में हो, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, तो औसत गति बराबर होता है 2xy/x+y। इसमें एक्स जो है वो पहला वाला और दूसरा वाला जो है वाई वो दूसरा गति होता है। तो यहाँ पे इसको सारे वैल्यूज को रख लेंगे, 2 × पहला कितना है 48 और दूसरा कितना है तो 80 है, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई यानी कि 40 + 80, तो इसको जैसे जोड़ते हैं तो ये हम लोगों का हो जाता है 128। अब इसको हम लोगों को सोल्व कर लेना है, तो सोल्व कीजिएगा आप लोग, तो ये 60 किलोमीटर प्रति एच आर हो जाएगा इसका आंसर। तो ये इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राइफल से 25-20 किलोमीटर प्रति एच आर की रफ्तार से गोली दागी गई, यह लक्ष्य पर 2.02 सेकंड के बाद हिट करती है, राइफल से लक्ष्य कितनी दूरी है, ए है 70 मीटर, बी है 140 मीटर, सी है 100 मीटर और डी है 200 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनता है, तो ये जो है टाइम स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25-20 किलोमीटर प्रति एच आर में, और यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ है, और साथ साथ यहाँ जो टाइम दिया है वो भी आपका सेकेंड में दिया हुआ है, यानी कि मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर बनना चाहिए या स्टैंडर्ड ये हो जाता है। तो यहाँ पे स्पीड तो दे दिया है और साथ साथ टाइम दिया कितना 0.2 सेकेंड ये दिया है। तो हम लोगों को मालूम है कि राइफल से जो है लक्ष्य की दूरी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, और ये जो स्पीड है वो है 25-20 ये किलोमीटर प्रति एचआर में है, और टाइम जो है वो सेकेंड में दिया हुआ यानी कि 0.2 सेकेंड ये हो गया। तो इसको हम लोगों को चेंज कर लेते हैं हम लोग किलोमीटर पर एचआर में, यानी कि किलोमीटर पर एचआर में जो है उसको हम लोगों को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसको करते क्या है, 25-20 इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये करते हैं, और साथ साथ में ये जो है 0.2 तो है ही हम लोगों के पास में, इसको अब इधर सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले 3 से काटते हैं, तो 3 से काटते हैं तो ये हो जाता है 840, और ये हो जाता है 6, फिर इसको हम लोग काट देते हैं 6 × 6 = 24 और ये 40, यानी कि ये अब आप देख सकते हैं कि 140 गुना 5 गुना 0.2 है, तो इसको हम लोग 2/10 कर देते हैं इसको इस प्रकार से, ये हो गया 70 × 2 यानी कि 140 जो है वो मीटर में आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हैं मीटर में, तो ऑप्शन देख सकते हैं अब ऑप्शन नंबर बी वो 140 मीटर है। तो ये इस प्रकार से इसको सबसे पहले तो यूनिट को चेंज कर लेना है कि किलोमीटर पर एचआर से मीटर पर सेकंड में, उसके बाद आप आसानी से सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, इसलिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है एज यानी कि उम्र से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि ये जो है 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, 4 और 5 है, ये है ए और ये है बी, ये अनुपात में है, तो इसको मैं अभी डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से बनता है। तो ये 4 और 5 है, और 5 वर्ष के बाद उनके आय का जो अनुपात होगा कितना होगा, 6:7 हो जाएगा, यानी 6:7 का अनुपात हो जाएगा। ये कब होगा, ये 5 वर्ष बाद होगा, ये 5 वर्ष पहले की बात है, ये 5 वर्ष बाद की बात है। तो यहाँ जो बीच में होगा वो हमारा वर्तमान होगा,
अब आप देख सकते हैं यहाँ से इन जो दोनों का जो रेशियो है उसका डिफरेंस, और यहाँ का इन दोनों का जो रेशियो का डिफरेंस है वो कितना क्या है, वो दो का डिफरेंस, ये 4 से 6 हो जाता है, ये 5 से 7 हो जाता है, तो डिफरेंस जो होता है वो 2 का डिफरेंस हो रहा है। और ये 2 का डिफरेंस क्यों हो रहा है, तो ये देखिए 5 वर्ष पूर्व से लेकर के वर्तमान तक आना है और फिर वर्तमान से 5 वर्ष बाद तक जाना है, यानी कि यहाँ से +5 और यहाँ से फिर से +5, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 साल का जो डिफरेंस है, इसी कारण से यहाँ पर अनुपात में भी डिफरेंस 2 का हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 बराबर 10 ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में आप लोगों को सारी चीज़ों को बताया हुआ पिछली बार का जो वीडियोज है मिस वाले, उसमें सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 5 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में पहुँचेंगे, फिर वर्तमान से फिर 5 वर्ष बाद तक जाएंगे तो फिर 5 साल ऐड करेंगे, तो हम लोग को जो 10 है, ये जो 10 साल का जो गैप दिख रहा है वो हमारा जो ये रेशियो होगा, यानी 2 का रेशियो, यहाँ भी 2 का रेशियो जो है वो हम लोगों का 2 के बराबर 10 का हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब ये जो 5 है ये हम लोगों का अनुपात में निकल गया है। अब हमें जिसका भी कहा जाएगा उसका हम लोग अब निकाल सकते हैं, तो उनका एक अनुपात जो 6:7 हो जाएगा बोला। अब यदि वर्तमान में सी जो है 20 से 10 वर्ष छोटा है, यहाँ पे ए और बी का ही बात करते हैं, लेकिन अब आ गया है एक और बंदा ऐड हो गया है, वह है सी। और ये जो सी है वो क्या कह रहा है, 20 से 10 वर्ष छोटा है और अभी वर्तमान का बात कर रहे हैं, तो यानी सबसे पहले हम लोग जो है बी का वर्तमान में जाते हैं, तो ये 5 तो निकल गया हम लोगों का, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बी की जो है वर्तमान आयु अब निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि बी के साथ में सी का रिलेशन कहा है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 5 वर्ष पहले का है, लेकिन वर्तमान तक आने के लिए फिर हम लोग क्या करना है, 5 वर्ष फिर ऐड कर लेना है, तो ये हम लोग ऐड कर लेंगे, 30 साल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सी जो है 20 से 10 वर्ष छोटा है, ये जो सी जो है वो 20 से 10 वर्ष छोटा वर्तमान की बात कर रहा है, यानी कि सी की जो है वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, ये 10 वर्ष छोटा है बी से, यानी कि 30 माइनस 10 करेंगे तो हम लोगों को 20 वर्ष आएगा, ये किसका, तो ये आ जाएगा हम लोगों का सी की आयु, ये हो गया। अब तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ए और सी का कह रहा है, अब ए का हम लोगों को जाना है वर्तमान में, तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पहले तो ए का जो अनुपात था वो था 4 था, तो 4 के साथ हम लोग 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और फिर वर्तमान में आने के लिए फिर 5 साल को हम लोगों को ऐड कर लेना है यहाँ पर, तो 25 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ए की वर्तमान आयु वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग सबसे पहले 5 वर्ष पहले का जो है उसको कर देते तो 4 × 5 हो जाएगा, ये हम लोग को 5 वर्ष पहले का, उसको फिर हम लोग को वर्तमान में आने के लिए 5 साल को फिर ऐड कर लेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 25 वर्ष, ये ए की वर्तमान आयु हो गया। अब ए और सी का कहा है, ए और सी का वर्तमान आयु का अनुपात, ए और सी यानी कि ए का कितना हो गया है, ए अनुपात सी, यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, तो ए का है 25 और सी का है कितना, 20। अब इसको जैसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5:4, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हम लोगों का 5:4, तो यही है हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं बिना एक्स वाई माने ही, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ अनुपात का वो भी समान है, तो आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को भी देख सकते हैं, और साथ साथ में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सारी चीज़ों को भी आप लोग देखते हुए जाएंगे।